सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्लीज वर्कशीट नंबर 6 and it is only for class 7th English medium students and it has taken from the subject mathematics. We will learn and understand lines and angles in this worksheet. So before we start this worksheet, we recall something about lines. So let's recall. First is point. हमने क्लास 6th में भी लाइंस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझा था, तो उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं। जैसे पॉइंट, पॉइंट का मतलब है नो साइज ओनली पोजीशन। एक पोजीशन होती है इसकी और इसका कोई साइज नहीं होता। बड़ा पॉइंट भी हो सकता है, छोटा पॉइंट भी हो सकता है, तो पॉइंट हैज़ नो साइज। फिर है लाइन, नो फिक्स मेजरमेंट, जिसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता। अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए, एक ऐसे दो पॉइंट्स का सेट जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और जितना मर्जी कर सकते हैं, तो उसे हम लाइन कहते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता। रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स और अ स्मॉल लेटर, दैट इज एक्स वाई लाइन और लाइन एम। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं और यहाँ पर दिखा भी रखा है। देखिए, आपको ये लाइन एम है और इसके दोनों साइड पर एरो है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो बना हुआ है। दैट मीन्स हम इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता। और इसी तरह से यहाँ पर एक्स वाई लाइन दिखाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट। वॉट इज लाइन सेगमेंट? पार्ट ऑफ द लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स, दैट इज ए बी, और उसके ऊपर ऐसे एक छोटी सी लाइन भी लगाते हैं। अब आप देखिए कि जैसे अगर हम इस जैसे ऊपर हमने ये लाइन देखी, अगर लाइन में हम दो एंड पॉइंट बना दें तो ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट कि हमेशा टू एंड पॉइंट्स होते हैं और इसका जो फिक्स मेजरमेंट होता है, जैसे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एक फिक्स मेजरमेंट होता है। और इसे हम जो बड़े कैपिटल लेटर्स होते हैं ए बी जैसे, और उसके ऊपर एक लाइन लगा के इस तरीके से हम उसको शो करते हैं। नेक्स्ट इज रे। वॉट इज रे? अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन विथ वन इनिशियल पॉइंट एंड अदर इज एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली। तो देखिए, जो रे होती है वो क्या होती है? रे और लाइन में क्या डिफरेंस है कि जो लाइन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ सकती है, खूब ज़्यादा बढ़ सकती है, और जो रे होता है वो उसका एक ही एंड पॉइंट होता है और वो एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट द इनिशियल पॉइंट, दैट इज ओ पी। जैसे यहाँ पर एक रे दिखा रखी है आपको, और इसको दिखाते इस तरीके से हैं कि ऊपर एक छोटी सी रे बना के और नीचे हम ओ पी, वेयर ओ इज एंड पॉइंट एंड पी इज एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली, और एक ही डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए हम इसे रे कहते हैं। तो क्वेश्चन इज अराइज, हाउ मैनी रेज कैन बी पास्ड थ्रू अ पॉइंट। तो देखिए, एक पॉइंट है, उससे कितनी जो है रे पास थ्रू हो सकती हैं। तो हमने ये बताया था कि एक एंड पॉइंट है और कितनी भी रेज जा सकती हैं, जैसे इधर भी जा सकती है वो, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो मैनी नंबर ऑफ रेज कैन बी पास्ड थ्रू अ पॉइंट। नेक्स्ट इज एंगल। वॉट इज एन एंगल? और ये एंगल की फिगर है, इस तरीके से एंगल बनता है। एन एंगल इज़ अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज आर कॉल्ड
arms of the angle and common initial point is called vertex. तो इसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा. एक तो common point, जैसे यहाँ पर O है, तो O is a vertex. Vertex याद रखिएगा कि जो दोनों rays होती हैं उनका एक common initial point, एक common end point होता है, जिसको हम vertex कहते हैं. और इसमें टू रेज होती हैं जो कि इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती हैं. जैसे यहाँ पर एक तो रे है OP और एक रे है OQ, और इन दोनों का एक कॉमन एंड पॉइंट है विच इज़ O. O इज़ वर्टेक्स एंड टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल. और ये जो फिगर है ये बनाती है एंगल को. Can a straight line be an angle? Yes, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. An angle is measured in degrees. जो उसका measurement होता है वो हमेशा हम degree में उसको measure करते हैं. जैसे मान लीजिए अगर ये जो angle है वो 60 का है तो हम इसको बोलेंगे it is 60 degree angle. और angle का sign इस तरीके से होता है. Next topic is complementary angles. When the sum of measures of two angles is 90 degree is called complementary angles, and when the sum of measures of two angles is 180 degree, so that means it is called supplementary angle, or they are called supplementary angles. आया बात समझ में कि जब जो two angles हैं उनका sum 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है एंगल्स बिसाइड ईच अदर, यानी एक दूसरे के साइड बाय साइड लगे हुए. मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर टू दैट एंगल, दैट इज कॉमन आर्म ओ आर, कॉमन वर्टेक्स ओ एंड नॉन कॉमन आर्म्स. देखिए ऐसी फिगर जब जो टू एंगल्स हैं दोनों एक साथ बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात उनमें कॉमन वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स इज ओ, जहाँ पर ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो वर्टेक्स इज ओ. और इन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म भी होती है, तो ऐसी जो फिगर होती है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स. क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स. नेक्स्ट इज लीनियर पेयर. व्हाट इज लीनियर पेयर? अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट डायरेक्शन. तो देखिए जो लीनियर पेयर होता है वो भी होता एडजेसेंट एंगल की तरह ही है. आप देखिए कि जैसे एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, और दोनों का कॉमन पॉइंट भी है, लेकिन जो इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है एक्सटेंड हो रही होती हैं, तो इसलिए हम इसको लीनियर पेयर कहते हैं. और जैसे अभी हमने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन एंगल हो सकती है, यस वो 180 डिग्री का एंगल हो सकती है. सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस. It's time for practice. Question number 1 is identify angles and represent them with symbol. Do the naming of angles in of your choice. तो first जो figure है आप ध्यान से देखिए, इन दोनों का total, इन दोनों का sum कितना आएगा? 130 degree and 50 degree is 180 degree. तो that means these are supplementary angles. फिर ऐसे ही figure अभी हमने last में भी discuss किया है, तो ये है लीनियर पेयर, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही हैं, इसलिए ये लीनियर पेयर है. फिर ये तो एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इसका एक कॉमन वर्टेक्स है और इसमें एक कॉमन आर्म भी है ये वाली, इसलिए एडजेसेंट एंगल है. और ये जो है अगर आप इसे देखेंगे
तो ये जब भी कोई एल की शेप होती है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, और उसको बीच में से ये एक लाइन और डिवाइड कर रही है, तो ये दो एंगल्स बन गए। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, और इसको हम एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स भी है और कॉमन आर्म भी है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू इन द फिगर। आप देखिए इसका आंसर होगा नो, क्यों? क्योंकि इनकी एक कॉमन आर्म तो है लेकिन इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए दे आर नॉट एडजेसेंट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। आपको तीन एग्जांपल देने अपनी डेली लाइफ ऑब्जेक्ट में जो एंगल का एग्जाम्पल हो, और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है वॉच या वॉल क्लॉक। उसमें आपने देखा ना दोनों सुइयाँ वो एंगल की ही शेप बनाती हैं। डोर्स भी हो सकते हैं, विंडोज़ भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप इसको फाइंड कीजिए और इसमें नाम लिखिए। तो अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोविड बिहेवियर अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। तो आप जब भी किसी से मिलें तो अपने बीच में आप 6 feet या 2 yards के डिस्टेंस बनाए रखें। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।